हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? अल्लाह की रहमत से मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छा ही होगा। सुबह सुबह मैंने एक नई रेसिपी लेके आप लोगों के पास आया हूँ, तो मैं आज बना के दिखाऊंगी मैदा का और गुरा दूध का चीनी से पराठा बना के दिखाऊंगी। तो पराठा बनाने के लिए मैं ये पानी को उबालने के लिए दिया है, उबाल के फिर डो बनाऊंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। तो ये देखो, मैंने मैदा को गर्म पानी से अच्छी से मिक्स कर लिया है। ये देखो हमारा डो कितनी सॉफ्ट हुई है। तो मैं आप 10 मिनट तक ढक के रेस्ट में रख दूंगी, फिर पराठा बना के दिखाऊंगी। ये देखो 10 मिनट बाद आया हूँ फिर से। देखो कितना सॉफ्ट हुई है, ये देखो ज़्यादा सॉफ्ट हुई है देखो। और ये देखो मैंने थोड़ा मैदा लिया है बनाने के लिए, और ये देखो गुड़ा दूध लिया है, और ये चीनी लिया है, और मैं ये पाठे भी बनाऊंगी। पाठे भी बनाना मुझे अच्छा लगता है, वो पेड़ भी बनाऊंगी तो ज़्यादा हिलता है, इसलिए पाठे भी ही बनाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी। तो मैं पहले सब पराठा रेडी कर लेता हूँ, बना के दिखाऊंगी। तो रोटी को हल्के हाथों से बेलना है ऐसे। ये बच्चा बहुत पसंद करती है, मेरा बेटी भी बहुत पसंद करती है, उसका फेवरेट है। तो थोड़ा चीनी डाला है, अब मैं थोड़ा गुड़ा दूध डालूंगी। गुड़ा दूध डालने से ज्यादा टेस्टी होती है। आप चाहे तो ज्यादा अलग भी शेप्स दे सकते हैं, मुझे यही थोड़ा आसान लगा और देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मैं यही देता हूँ। बनाऊंगी
देखो एक हो गया है, तो एक रेडी है, मैं यहाँ पे रखूंगी। फिर सब बना के फिर छाछ की दिखाऊंगी। ये देखो मैंने तीन बना के लिया है और एक बेटी का है छोटा वाला, क्योंकि अब बेटी को स्कूल छोड़ना है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अब ये तीन बना के दिखाऊंगी, फिर बाद में बनाऊंगी। ये देखो गर्म करने के लिए दिया है, आरे में सादा तेल यूज करूंगी सोयाबीन का। तो ये देखो हमारा पराठा हो गया है, अब मैं इसे बाहर निकालूंगी। और एक दिया है और एक हाथ से दिखाऊंगी। तो ये देखो हमारा पराठा हो गया है, मैंने ज़्यादा ही बनाया है क्योंकि बेटी को स्कूल जाना है, इसलिए चटपट से खा लिया है सभी लोग, यही है। तो मैं ये तोड़ के दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट हुई है, गरम है, ये देखो कितना नरम और कितना सॉफ्ट हुई है, बहुत सॉफ्ट हुई है। आप भी घर में बना के ज़रूर खाना है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।